पिछले दो साल से ऐसा लग रहा था कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की शायद उपयोगिता अब कांग्रेस में नहीं है, इसलिए जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही थी, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, अभी हमारे सुबोध जी और सभी जो सीनियर लीडर हैं, अब देखिए कहीं ना कहीं वो नाराज चल रहे हैं, मगर वो तकलीफ में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आज हम तो ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए कि हमको कुछ निर्णय लेना पड़ा, और हम लोग सब लोग से बातचीत की और हमने निर्णय लिया कि भाई अब हमको एक क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि अगर घाटशिला को हम छोड़ दिए तो फिर आने वाले भविष्य में हमको कोई पूछेगा नहीं। अरे बहुत जरूरी है कि अपनी जमीन को बचा के रखें, और इसलिए हमने यह निर्णय लिया। आखिर ऐसी क्या बातें हुई कि तीन दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ दी? ये सवाल तो हमको लगता है जो प्रभारी आएंगे उनसे पूछना चाहिए आखिर क्या बात है। ठीक है, आज हमको तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर ऐसे लोग छोड़ रहे हैं, पहली बात है सबसे पहले जब अजय जी छोड़े तभी उसको चिंतन मनन करना चाहिए आखिर क्या बात है। उसके बाद सुखदेव छोड़ दिए, उसको भी फिर आपने बड़ी गंभीरता से नहीं लिया, तो हमको लगता है कि अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो फिर आने वाले समय में आपका भविष्य मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में अगर आप जो कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, विशेषकर वैसे नेता जो नेतृत्व किया है आपके प्रदेश का, तो उनको खोने से हम लोग, एक कार्यकर्ता छूटता है, एक कार्यकर्ता हमसे अलग होता है, तो हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं आखिर क्या कारण है, उसको कोशिश करते वापस लाने का, मगर हमको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा कुछ प्रयास हमको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, जिसके चलते लोग भाग रहे हैं। ठीक है, एक मिनट।